मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 1985 से अब तक भारत में 17 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ हो चुकी है। 1985 से अब तक कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। लेकिन आपके जौनपुर जिले में चकबंदी अधिकारी के यहां एक मुकदमा 1985 में आया था वसीयत का, और उसमें केवल यह तय करना था कि वसीयत करने वाला 31 मार्च को मरा कि 2 अप्रैल को मरा। केवल इतना तय करना था कि वसीयत करने वाला 31 मार्च को मरा कि, क्योंकि दो लोगों ने उसकी वसीयत करा रखी थी। एक आदमी ने 31 मार्च को वसीयत कराई, दूसरे आदमी ने 2 अप्रैल को कराई, और वास्तविकता यह है कि 1 अप्रैल को खत्म हो गया। 37 साल हो गए आज तक यह नहीं तय हुआ कि वो वसीयत करने वाला 31 मार्च को मरा कि 2 अप्रैल को मरा। आज अगर 2023 में वो तय भी हो जाए तो जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, सीओ के बाद एसओसी के यहां मामला जाता है, एसओसी के बाद डीडीसी के यहां जाता है, डीडीसी के बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच को जाता है, उसके बाद डिवीजन में भी आप वहां पे अपील कर सकते हैं, उसको रिवीजन कहते हैं, वहां से भी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी 37 साल में चकबंदी अधिकारी के यहां है, अगर इसी स्पीड से चला तो लगभग 47 साल और चलेगा। अब आप सोचो, बहुत ध्यान से समझिए, जिस व्यक्ति ने वास्तव में वसीयत कराई थी, अगर उसको 47 साल के बाद वो जमीन मिल भी गई तो उसको मिला क्या? अरे वो तो उसी की जमीन थी, ये तो उसी की थी। लेकिन जिसने इतने दिन कब्जा करके रखा हुआ है, उसने जोत रहा है, बो रहा है, किराए पर उठा रहा है, उसी में वकील को पैसा दे रहा है, मुकदमा लड़ रहा है। हमारे आपके जीवन में जो अशांति है ना, ध्यान से कभी आप सोचना, उस अशांति के रूट काज पे जाइए आप, तो उस रूट काज का मूल कारण है घटिया नियम कानून। इस देश में 30,000 लोग साल में मर्डर से मरते हैं। बेटा जरा पीछे सुन लो, 30,000 लोग पर ईयर भारत में मर्डर से होते हैं, मतलब जहां आपस में दुश्मनी हुई मर्डर हो गया, और 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। यानी जितने लोग आपस में दुश्मनी से मरते हैं उसके 5 गुना लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, और जो रोड एक्सीडेंट से मरते हैं 1.5 लाख, उसमें से 1 लाख लोग सड़क के गड्ढों से मरते हैं। तो जो सड़क का गड्ढा हुआ वो क्यों हुआ? भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार का मूल कारण घटिया कानून, घटिया कानून। हमारे यहां भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कानून बनाते समय हम कभी देखते नहीं कि बाहर चल क्या रहा। मेरे हाथ में ये अमेरिका की फेडरल पिनल कोड है, जैसे इंडिया में इंडियन पिनल कोड चलता है, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। भारत में किडनैपिंग की जो सजा है वो 3 से 7 साल की है, अमेरिका में 50 से 100 साल की है। और एक को किडनैप किया तो भी 7 साल, 2 को किया तो भी 7 साल, 5 को किया तो भी 7 साल, 10 को किया तो भी 7 साल। अमेरिका में एक को किडनैप किया तो 50, 2 को किया 100, 3 को किया 150, 4 को किया 200, 5 को 250। हमारे यहां सुब्रत राय सहारा ने 16 लाख लोगों का पैसा लूट लिया। सहारा चिटफंड स्कैम सुना होगा आपने, पता नहीं कोई पीड़ित भी होगा आप लोगों का जानने वाला कोई। 16 लाख लोगों का उसने पैसा लिया, डुबो दिया। आज तक 16 साल की भी सजा नहीं हुई। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने 16,000 लोगों का पैसा लिया था। थाईलैंड में एक आदमी ने चिटफंड कंपनी बनाई,
डबल करने का ऑफर दिया, 16,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो पैसा लेकर भाग गया। 1,41,000 साल सजा हुई उसको, कितने की? आप लोग थोड़ा गूगल किया करिए, स्मार्टफोन का यूज नॉलेज बढ़ाने के लिए करिए, स्मार्टफोन का यूज ये देखने के लिए करिए कि भारत में जो समस्या है इस समस्या का मूल कारण क्या है, उसका स्थायी समाधान क्या है। हमारे देश में अगर मकान पे कब्जा हो जाए तो अपना मकान, अपना खुद का मकान छुड़ाने में 50 साल लग जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने का मकान नहीं होता उससे ज्यादा खर्च हो जाता है छुड़ाने में अपना मकान। कनाडा में मकान का जो डिस्प्यूट होता है, रेंट का जो डिस्प्यूट होता है, एक डेट में खत्म होता है, एक डेट में बस। जैसे ही आप वहां फाइल करोगे, जज केवल ये देखेगा कि जो एग्रीमेंट है वो फेक है या जेन्युइन है। अगर वो एग्रीमेंट जेन्युइन है वहीं डिसीजन कर देगा, उसकी कोई अपील भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको आप हाई कोर्ट ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, ना। इस देश में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं इस समय, 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, इसका मतलब 5 करोड़ परिवार टेंशन में है कि नहीं। एक परिवार में ऑन एन एवरेज 6 लोग होते हैं, यानी 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। और ये ध्यान रखिए, जब मुकदमा चलता है एक पक्ष उसका लाभार्थी होता है और एक पक्ष उसका पीड़ित होता है। जो लाभार्थी होता है हमेशा वो पावरफुल वाला होता है। जैसे अगर मैं आपके जगह जमीन पे कब्जा कर लूं तो मैं नहीं चाहूंगा मुकदमा जल्दी खत्म हो, लेकिन आप चाहोगे जल्दी मुकदमा खत्म हो जाए। तो कमजोर चाहता है जल्दी मुकदमा खत्म हो जाए, मजबूत चाहता है मुकदमा लंबा। अब ये बताइए, अगर ये 50 साल मुकदमा चल रहा है तो ये कमजोर के पक्ष में है कि मजबूत के पक्ष में है? और संविधान कहता है न्याय देना है, अंतिम व्यक्ति को न्याय देना है। अंतिम व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा? जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो जब समान अधिकार की बात हो रही थी, तो जब एक इंडियन पिनल कोड हो सकता है तो एक इंडियन सिविल कोड भी हो सकता है, लेकिन जो एक इंडियन पिनल कोड है वो एक तो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक कानून के साथ दूसरा, दूसरी टर्म्स क्या है? श्रेष्ठ। तो हमारा इंडियन पिनल कोड फेडरल पिनल कोड की तुलना में श्रेष्ठ नहीं है, इसीलिए जो समस्या भारत में है वो अमेरिका में। आप लोग गूगल करिएगा, कुछ दिन पहले एक आदमी ने शर्ट दूसरी बार चुराया था, उसको 25 साल सजा हुई अमेरिका में। गूगल करना, स्मार्टफोन को यूज करिए। और मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, हाईवे बनाने की लागत होती है। आप सारे युवा हो, आप भविष्य हो, आप भारत के फ्यूचर हो, आप इसको समझिए। हाईवे बनाने में करोड़ों खर्च होता है, एयरपोर्ट बनाने में करोड़ों खर्च होता है, एक्सप्रेसवे बनाने में करोड़ों खर्च होता है, पुल बनाने में। ऐसी कोई योजना बताइए जिसमें पैसा खर्च नहीं होता है? कोई एक चीज ऐसा है, कानून। कानून बनाने की कोई लागत नहीं और लाभ पूरे देश को, लाभ पूरे इस देश में। अगर आप, मैं पहले इंजीनियर था, मैं मारुति में था, वहां पे सर बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी। जापान में क्या करते हैं, हर समस्या की रूट काज एनालिसिस करते हैं, केवल मशीनों की नहीं। इसलिए आप ध्यान रखिए, जो जैपनीज गाड़ियां होती हैं वो मेंटेनेंस फ्री होती हैं, चाहे मारुति हो, चाहे टोयोटा हो, चाहे होंडा हो, जितनी आपको जैपनीज गाड़ी मिलेगी ऑटोमोबाइल में वो मेंटेनेंस फ्री होगी। उसका कारण यह है, एक बार जो प्रॉब्लम आई सबको बुला लेंगे, बैठ जाइए, नट फेल हुआ, हाँ क्यों हुआ, क्या नट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या नट को लगाने वाला मिस्त्री अच्छा नहीं था? अगर नट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्यों मटेरियल खराब है? अगर नट लगाने वाले ने लापरवाही कर दिया, इसका मतलब मैन खराब है। उनका कहना है कि पूरी, उन्होंने 5 चीजों पर फोकस किया, मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन और मनी, 5M उसको फार्मूला कहते हैं। उनका कहना है आज जापान जो
दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनी, इसका कारण ही था। उन्होंने मैन को अच्छा बनाया, मेटेरियल को अच्छा बनाया, मेथड को अच्छा बनाया, मशीन को अच्छा बनाया, इसीलिए आज की डेट में वो सुपर पावर हो गया। बम गिरा था, इसके बाद भी सुपर पावर हो गया।